हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे अपर्णा सीक्रेट बॉक्स में। आज इस वीडियो में हम पिज़्ज़ा की रेसिपी देखेंगे जो बिना चीज़ के बिना ओवन के बनके रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिज्ज़ा का डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है, इसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें हाफ कप दही डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है और हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हम व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून तेल ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स रहने नहीं चाहिए, इसे हमें अच्छे से सेकते जाना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और देखिए आप इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो अलग हो रहा है। तो ये स्टेज पे हम इसमें जो 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है वो हम डालेंगे, तो हम हाफ हाफ करके डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। बाकी का दूध भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें लम्स हो रहे हैं तो आप अपना गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद में फिर से गैस की फ्लेम जो है वो ऑन कर दीजिए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी ले लिया है, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाना है। तो बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने 1/4 कप पानी और इसमें ऐड किया है और हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो हमारा देखिए स्मूथ कंसिस्टेंसी बन के रेडी हुई है। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून इसमें जो गार्लिक पेस्ट है वो डाल देंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तब तक मिक्स करना है और जब तक इसे पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, यानी हमारा जो व्हाइट सॉस है थोड़ा थिक हो जाना चाहिए। और अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ, हम ऐसे उंगली डालेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसी कंसिस्टेंसी हमारी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब हमारी गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा व्हाइट सॉस बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हमारा इंस्टेंट पिज्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ले लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनके रेडी हो चुका है। अब हमने जो पिज्जा बेस का जो डो रेडी किया था उसे हम अच्छे से लोड दे देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एक लोया रेडी कर लेंगे और इसे हम रोटी की तरह ही बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम वही मेथड से हमें इसे बेल लेना है। यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा बनाने के लिए मैदा लिया है, आप चाहो तो जहाँ मैंने मैदा यूज़ किया है वहाँ पर आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्लेट को मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ये पिज्ज़ा बेस को हमने प्लेट में डाल दिया है, साइड से अच्छे से हम इसे प्रेस कर लेंगे। सभी साइड से इसे अच्छे से होल्स कर लेंगे और पिज्जा सॉस डालेंगे नीचे। उसके ऊपर हम व्हाइट सॉस डाल देंगे
इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब हम इसमें हमारे मनपसंद कोई भी वेजेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ले ली है, वो डाल दूंगी मैं। फिर मैं टमाटर डाल दूंगी इसमें। प्याज डाल देंगे। आप आपके पसंद की कोई भी मनचाही सब्जियां इसमें डाल सकते हो। ओरिगैनो डाल देंगे ऊपर से। चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई प्रीहीट करके रख ली थी और इसमें हम जो हमारी प्लेट है पिज्जा प्लेट वो इसमें रख देंगे और ऊपर से और थोड़ा सा व्हाइट सॉस हम इसमें डाल देंगे। बीस मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे। तो देखिए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा पिज्जा बनके बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखते से ही किसी का भी खाने का मन करेगा। तो आइए इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये जो पिज्जा की रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, सभी को बहुत पसंद आएगी और ये बिना चीज बिना ओवन का बनेगा, बहुत ही जल्दी बनके रेडी होगा। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।